कार्लिप्स.डॉट.इन में आपका स्वागत है। बलरामपुर जिले के शिक्षा कर्मियों का कहना है कि जो दीप हमने सद्बुद्धि के लिए जलाया था उसका असर शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर देखने को मिला है। और क्लिप्स.डॉट.इन के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री रमन सिंह को सुना था कि वे संविलियन को लेकर मध्य प्रदेश का इंतजार कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने जितने भी संविदा पंचायत कर्मी शिक्षा कर्मी थे सभी संविलियन किए जाएंगे, ये निर्णय मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। मध्य प्रदेश के शिक्षकों को शिवराज सिंह ने उनका हक दे दिया है। अब रमन सिंह को भी कैबिनेट में जल्दी ये फैसला लेना चाहिए ताकि हम भी रमन सिंह की सरकार के लिए सत्ता शासन के लिए दुआ कर सकें। दरअसल बलरामपुर जिले के शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा ने 23 मार्च को जिला में संविलियन दीप जलाए थे और हमने मुख्यमंत्री के विकास यात्रा के दौरान संविलियन के सवाल पर मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान को दिखाया था, जिससे मुख्यमंत्री ने कहा था कि वे कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए कमेटी कई राज्यों में जाकर संविलियन के लिए एक विकल्प तलाश कर रही है। और आपको बता दें कि उन राज्यों में एक मध्य प्रदेश भी है, इसलिए कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के शिक्षा कर्मियों को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में शिक्षा कर्मी आतिशबाजी कर लोगों को मिठाई खिला रहे हैं। जिस दिन हम लोग संविलियन दीप जलाए थे, ही राजीव गांधी चौराहा साक्षी है और आपने ही हम लोग से बाइट लिया था कि इस संविलियन दीप से क्या संदेश देना चाहते हैं। हम लोगों ने बताया कि हम सद्बुद्धि दीप जला रहे हैं ये, और निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ा। मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह ने आज कैबिनेट में संविलियन का प्रस्ताव पारित कर दिया। मतलब किसी तरह का कोई संदेह मध्य प्रदेश में नहीं रह गया कि अब हमारे साथियों का संविलियन नहीं होगा, क्योंकि कैबिनेट में वो प्रस्ताव पारित हो गया। उसी दिन आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपना साक्षात्कार लिया था, मैंने सुना था समाचार में आपके चैनल से ही। उन्होंने कहा था कि हम मध्य प्रदेश का इंतजार कर रहे हैं और मध्य प्रदेश से हमारे संबंध हैं, मध्य प्रदेश से ही शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति हुई थी। तो निश्चित रूप से आज उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि शिवराज सिंह ने अपनी दरिया दिली दिखा दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य में ही नहीं, पूरे भारत में एक इतिहास बना दिया कि संविलियन संविदा कर्मी या जो पंचायत से जितने संबंधित शिक्षा कर्मी थे, चाहे वो संविदा के हों, ईजीएस के गुरु जी हों, सबको उन्होंने एक साथ शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया। हम आदरणीय अपने मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को अब यह संदेश देना चाहते हैं कि अब आप इंतजार की घड़ी और ज़्यादा लंबा मत करिए। मध्य प्रदेश का इंतजार आप कर रहे थे, मध्य प्रदेश ने संविलियन की घोषणा कर दिया, कैबिनेट में पास कर दिया, बहुत जल्द आप भी जो है हमें संविलियन की घोषणा करें, कैबिनेट में हमारा संविलियन का प्रस्ताव पारित करें। और जिस तरह आज हमने शिवराज सिंह के लिए जश्न मनाया, पटाखे फोड़े, लड्डुए बांटे, इसी तरह का कार्यक्रम हम आपके लिए भी कर सकें, आपके लिए भी खुशियां मना सकें और दुआ कर सकें कि आप जो है हमें संविलियन दे करके अपनी कुर्सी में, अपनी ताज तख्तो ताज पर आप विराजमान रहें। For more information, log on to www.clips.in.